कि मैं आशीष देना चाहता हूं एसाव को। वाइफ कहती नहीं, याकूब को भी आशीष दो, क्योंकि पहलौठे बच्चों को ज्यादा आशीष मिलती थी। आज के जमाने में अगर दो बच्चे हैं तो 50-50, चार बच्चे हैं तो 25-25%। तब ऐसा नहीं होता था, जो बड़े बच्चे होते थे उनको 70-80% मिलता था, बाकी बच्चों में 20% बढ़ जाता था। अगर दोनों में बनती होती तो दोनों साथ बैठते और सलाह करते, और अगर इजहाक अपनी पत्नी से प्यार करता तो अपनी पत्नी की बात को कभी भी वापिस नहीं जाने देता, और अगर वो भी अपने पति के अधीन रही होती तो जाके अपने पति के सामने सारी बात रखती कि मुझे ये बात आपकी पसंद नहीं आई, हमें इस बात को चेंज करना है। आपको दो आशीष सोच के रखनी है। आप दे दो 60-70% एसाव को, पर याकूब के लिए भी 30% संभाल के रखो। पर दोनों में कोई इंटीमेसी नहीं, कोई ध्यान नहीं, आपस में कोई प्यार नहीं। और बाइबल क्या कहती है, अपनी पत्नी से अपने समान प्यार कर, अपने पति के अधीन रहे। लाखों घर टूट चुके और आपको लगता है कि आपके दादा दादी इकट्ठे हैं पर वो है नहीं, माता पिता इकट्ठे हैं पर वो है नहीं। बच्चों की वजह से साथ रहने का मतलब ये है आप ऑलरेडी डाइवोर्स हो चुके हो, बस पेपर नहीं है आपके पास डाइवोर्स के। बाइबल कहती है अगर पति और पत्नी एक मन नहीं है तो उनकी प्रार्थनाएं रुक जाएंगी। बाइबल कहती है, पौलुस ने कहा तुम्हारी प्रार्थनाएं ना रुके और शैतान का दाव तुम पर ना चले, इसलिए पति और पत्नी दोनों एक मन रहो। ये बाइबल की प्रोफेसी है। एक वचन छोटा सा, अब देखो हुआ क्या, मां की चली कैसे, उसने अपने बेटे को भेजा स्वादिष्ट खाना बना के, उसके उसके बाल बाजुओं पर बकरी की खाल बांध दी, गले पे बकरी की खाल बांध दी। जब वो लेके गया अपने पिता के सामने, उसका पिता बोला ओए इतनी जल्दी कैसे आ गया तू शिकार करके, कहता तेरे परमेश्वर ने उसको मेरे हाथ में कर दिया, झूठ बोला। उसने जब देखा टटोला, या ये तो वाकई मुझे बोल तो याकूब सा लगता है पर इसके कपड़ों की स्मेल, जब उसने हाथ लगा के देखा बाजुओं पे कि ये तो बालों वाला पुरुष है, ये एसाव ही है, तो उसको आशीष दी। जब एसाव आया मांस का लेके तो उसने कहा मैं तो आशीष दे चुका हूं, और बाइबल कहती एसाव ने अपने मन में ठान लिया कि जब मेरे फादर की डेथ होगी मैं याकूब को भी मार दूंगा। उसकी वाइफ को फिर पता चला कि एसाव ने ऐसा सोचा, याकूब को भगाना पड़ा उसे अपने घर से, हां के ना, भगाया कि नहीं भगाया। अब इमेजिन करो सिर्फ चार जन है फैमिली में, कौन कौन, फादर, मदर, दो भाई। अब एक भाई चला गया कहां पे, मीलों दूर, वाइफ का मुंह उधर है क्योंकि हस्बैंड उससे नाराज है कि तूने ऐसा क्यों किया, हस्बैंड का मुंह इधर है, एक बेटा दूर है, और दूसरा बेटा जो एसाव बचा उसने इश्माइल की बेटी के साथ शादी की जिससे इजहाक नफरत करता था। पूरी फैमिली टूट गई उनकी। रीजन क्या निकला, हस्बैंड और वाइफ के आपस में ना बनना। दो भाई है, एक कहां चला गया, एक दूर चला गया क्योंकि एक भाई उसको मारना चाहता है। उसकी मां ने बोला था, कहती आशीष तुझको लगे और श्राप मैं कमाऊं। अपने अपने लाइफ के जीते जी रिबिका याकूब को दोबारा कभी नहीं देख पाई जब वो चला गया उसके घर से। अपने फेवरेट बेटे को अपने लाइफ टाइम उसने कभी नहीं देखा। क्या आपको ट्रेजेडी नहीं लगती ये, हाँ क्या आपको ट्रेजेडी नहीं लगती, मैंने कहा क्या दुखी होने वाली बात नहीं है क्या, हाँ कि जिससे आप प्यार करते हो वो चला गया, हस्बैंड से आपकी बनती नहीं, जिस बेटे के लिए किया वो बेटा दूर भेजना पड़ा, और जो बेटा दूसरा था वो दूसरे का दुश्मन है। अब वो बेटा ना तो बाप को बुला रहा है क्योंकि उसने इश्माइल की बेटी के साथ शादी की जो इसहाक नहीं चाहता था, वाइफ के साथ मां के साथ बनी नहीं क्योंकि उसने छोटे भाई का साथ दिया। सारी फैमिली कचरा हो गई। रीजन क्या निकला, एक वचन तोड़ना। क्या था वो वचन, पत्नी अपने पति के अधीन रहे, पति अपनी पत्नी से प्यार करे। आपको क्या लगता है छोटा सा वचन है, कोई प्रॉब्लम नहीं टूट गया तो, पर उसका असर कहां जाएगा
यीशु मसीह के मुंह से निकला वचन छोटा सा आपकी जनरेशन बना सकता है या बिगाड़ सकता है। आप देखो जनरेशन बनानी है कि बिगाड़नी है। हालेलुया। अगर मेरे बच्चे को मेरी पत्नी ने कुछ करने के लिए मना किया और उसे मालूम है कि पापा के पास जाओ कुछ हल हो जाएगा, और मेरे पास आए, मैं वो करूं? मैंने कहा मम्मा ने क्या बोला? मम्मा ने कहा नहीं करना। मैं कहा वही फॉलो करो जो मम्मा ने कहा। हाँ, जब वो छोटा है उसे मालूम होगा कि ये दोनों टूटने वाले नहीं है। अगर एक ने नो कहा तो दूसरे की भी क्या है। अगर आप सहमत नहीं है मां की नो से तो बच्चे को यह चीज पता नहीं होनी चाहिए। वो आपके अंदर का फैसला जो बाद में बदला जा सकता है। बाप का फेवरेट ये, मां का फेवरेट ये, रखो फेवरेट, पर मां और बाप का नंबर वन फेवरेट वो आपस में होने चाहिए, उनके बच्चे नहीं। अगर आपके बच्चे आपके फेवरेट हैं, आपका हस्बैंड नहीं या आपकी वाइफ नहीं, तो आप उस बंदे के समान है जो हीलिंग तो चाहता है पर हीलर को नहीं चाहता, जो चंगाई तो चाहता है पर चंगा करने वाले प्रभु यीशु मसीह को नहीं चाहता, जो एक फादर का एक मैन ऑफ गॉड का मसा तो चाहता है पर उस मैन ऑफ गॉड को नहीं चाहता। कितने मूर्ख है वो इंसान जो अपने बच्चों से तो प्यार करते हैं पर जिस शरीर से जिस औरत से वो बच्चे निकले हैं उसको वो नफरत करते हैं। क्या मूर्खता वाली बात है कि जिस शरीर से तुम प्यार करते हो बच्चों से वो जिस शरीर से निकला है उससे तुम नफरत करते हो। आप ऑलरेडी अपने डिजास्टर की अपने विनाश की भविष्यवाणी कर चुके हो ये बात करके। जब दाई बच्चा पैदा नहीं करती तो दुखी होती है मां। हां, अंग पैर पेट फट जाता है, कई बार दर्द ज्यादा टाइम लगी रहती है, समझ नहीं आती। जब दाई होती है तो आसानी होती है। आपकी वाइफ आपके लिए दाई के समान है। आपको जो दर्शन प्रभु ने दिया बंदों को, मेन को, जेंट्स को, मर्दों को, आप उस दर्शन से प्रेग्नेंट हैं और आपका हेल्पर आपकी वाइफ। आप बच्चा पैदा कर सकते हो विदाउट वाइफ विदाउट हेल्पर, पर आप दुखी होकर करेंगे। इसलिए पौलुस ने कहा सिर्फ प्रार्थना करने के वक्त अलग हो और किसी भी बात के लिए नहीं। आमीन। और ये दो तरफा काम है, एक तरफा नहीं। मैं हैरान हूं आपके घरों में आपकी वाइफ्स को ये नहीं मालूम कि आप कितना पैसा कमाते हो। कितनी हैरानी वाली बात है ये। क्यों? क्योंकि बंदों को भी कॉन्फिडेंस नहीं है कि अगर मैं असली तनख्वाह बताऊंगा तो पैसे इधर उधर जाएंगे। और अगर बंदों को कॉन्फिडेंस हो कि पैसे इधर उधर नहीं जाएंगे वो भी अपनी फुल तनख्वाह बताएंगे। और जब आप हर एक चीज ओपनली एक दूसरे के सामने रखेंगे तो आपकी प्रार्थनाएं ज्यादा कबूल होंगी, आपका घर ज्यादा स्ट्रांग होगा और शैतान का वार आपके घर पे नहीं चलेगा। एक गलती क्या थी वो? अपनी वाइफ के साथ कोई इंटीमेसी नहीं है, कोई प्यार नहीं है। मेरा 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 फेवरेट कौन है? एसाव। हो सकता है एसाव उसको शिकार का मांस और शिकार का भोजन खिलाता हो और जब वो रिबिका से बोलता हो खाना बनाई, ओ आनी है मैं बिजी है। जो चीजें आपको ग्रेट बनाती वो क्या है? छोटी। जो आपको गिराती है वो क्या है? पर है क्या? बड़ी। वाइफ और हस्बैंड में जो चीजें एक दूसरे से दूर करती है वो क्या है? छोटी। अगर मेरी वाइफ ने मेरे बेबी को ना बोला वो मेरे पास आके उसे हां में तब्दील नहीं कर सकता। आमीन। वो ना ही है और उसको मालूम है कि ये मम्मी ने कहा या पापा ने कहा, बात एक ही। अगर मैंने ना बोला और मेरी वाइफ के पास वो मनाने के लिए गया या गई तो वो भी ना ही है, क्योंकि हम उससे जरूर पूछते हैं मम्मी ने क्या बोला था, या मम्मी बोलेगी पापा ने क्या बोला था, पापा ने नहीं बोला था तो नहीं है काके। हालेलुया।
कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? एक प्रोफेसी, वो क्या है प्रोफेसी? कि तुम अपनी पत्नी से प्रेम करो, तुम अपने पति के अधीन रहो, कुछ बातों में कि सब बातों में, कुछ कुछ बातों में। हाँ, जब पेके की बात हो तो फिर तो मतलब फिर देखना तक नहीं, डंडा ऐसे ही है कि सब बातों में। कि जब भाई की बात हो तब भी, हाँ, कि जब अपने भाई की बात औरत करती हो तब अधीन की नहीं, हाँ, कि सब बातों में। कहता सब बातों में। आप जब एक दूसरे को समझते नहीं, आप औरत को नफरत दो, वो आपको नरक बना देगी। आप उसको लव दो, आप वो आपके घर को स्वर्ग बना देगी। हाँ, आपके ऊपर है आप क्या देना चाहते हो और क्या लेना चाहते हो। आप उसको बीज दो, वो बेबी पैदा कर देगी। हाँ, उसमें गुणा करने की शक्ति परमेश्वर ने दी है, हाँ या ना? अब बुद्धि आप में होनी चाहिए कि कौन सी बात हमें, हो सकता है आप किसी और बात पे सहमत हो और वो किसी और बात पे सहमत हो, पर आपकी जो बाइबल सामने खड़ी है वो एक ही बात पे सहमत है। और अगर आप दोनों क्रिश्चियन हैं तो आप बाइबल पे आके खड़े हो जाएंगे। हालेलुया। और इसीलिए तो क्रिश्चियन लोग मरते नहीं, क्यों? अगर एक का दिमाग और है और एक की सोच और है तो आप बाइबल पे आ जाओगे जो एक ही सोच पे। इसीलिए अगर आपकी वाइफ क्रिश्चियन है और आप क्रिश्चियन हैं और दोनों आत्मा में बढ़ना चाहते हो तो आप ऑलरेडी स्वर्ग में हो। धक्के खाते भी आप आ जाओगे लाइन पे। ओ आमीन छोटे चर्च। आप मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? ये वर्ड की प्रोफेसी है, वचन की भविष्यवाणी है जो मैं आपको दे रहा हूं। एक छोटी सी बात जो हम मैरिजेस पे सुनते हैं पर कभी ध्यान नहीं दिया, एक छोटी सी बात जो हम बाइबल पढ़ते पढ़ते ऐसे ही गुजार जाते हैं और हमने कभी ध्यान नहीं दिया। इमेजिन करो एक आत्मिक जन। मैं आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। एक आत्मिक जन इजहाक, जिसपे प्रभु का अनुग्रह है, उसकी फैमिली के साथ ये ट्रेजेडी हुई, क्योंकि जिस दिन ये दो मन होना शुरू हो उसी दिन बैठ के उसको हल करो एक मन होने के लिए। छोड़ो मत अपने पार्टनर को। आमीन।